subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 85 अफराद जांबहक हो गए, जबकि 2152 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई है। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। मदार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कायदे आजम को खराज अकीदत पेश किया। दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती, सरबरा पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि कौम कायद आजम की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। पाकिस्तान में मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का मजहबी त्यौहार रिवायती जोश व खरोश से मनाया। वजीर आजम इमरान खान ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान पार्टी में बगावत को चलने के लिए सरगर्म हो गए। सरकुश अरकान मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, गुल नसीब और शजाउल मुल्क को JUI से निकाल दिया गया। वफाकी हुकूमत GDA और MQM के वोटों से कायम है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मदार कायद वाक़े को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। Greenish hand sanitizer, ala cream quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein, www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मजमुई अमवात की तादाद 9753 हो गई है। NCOC का कहना है कि मुल्क में 4,18,958 अफराद वबा को शिकस्त दे चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 85 अफराद जाबहक हो गए। मुल्क में मजमुई तौर पर 9,000 से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वबा के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,435 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में मजीद 2,152 मुस्बत अफराद में मर्ज की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक किए जाने वाले मजमुई COVID-19 टेस्ट की तादाद 64,82,889, जबकि मरीजों की तादाद 4,67,222 हो गई है। NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 38,511 है, जबकि 2,000 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड सेंटर का कहना है कि 24 घंटों के दौरान मजीद 1,824 मरीज सेहत याब हो गए हैं, जिसके बाद सेहत याब होने वाले मरीजों की तादाद 4,18,958 हो गई है। बानी पाकिस्तान कायद आजम रहमतुल्लाह के यौम पैदाइश पर गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मदार कायद पर हाजिरी दी और बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से। कायद आजम मोहम्मद अली जिना का 144वां यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज ममलिकत पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआओं से हुआ। यौम कायद के हवाले से मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मुजाकरों और मुबाहिसों का इनेकाद किया गया। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ, जबकि कराची में मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए
अलग वतन हासिल करने पर कायदे आजम को खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसी रियासत की तामीर चाहते हैं जहां तमाम शहरियों को तरक्की के यकसा मौके मयसर हों। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मजार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ का बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर अपने पैगाम में कहना था कि ईमान, इत्तहाद, नज़्म व ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी असूल रहेंगे, कोई ज़मीनी कुव्वत पाकिस्तान को फना नहीं कर सकती। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा की जानिब से जारी करदा ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाबाए कौम के यौम विलादत पर अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम कायद आजम का यौम पैदाइश भरपूर जोश व जज्बे से मना रही है। पाक फौज के सरबराह ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी उसूल रहेंगे, दुनिया की कोई क़ुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। मसीही बिरादरी की जानिब से खुसूसी इबादत और तकरीबात का इनेकाद किया गया जिनमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कराची समेत पाकिस्तान भर में मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया। क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया था जहाँ खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। मसीही बरदरी की जानब से पाकिस्तान की तरक्की, अमन, सलामती और खुशहाली और कोरोना वबा से निजात के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में मुनदा क्रिसमस तकरीबात में क्रिसमस ट्री, स्नोमैन, बर्फ़ से ढके घर और मांस पहने सांता क्लॉस ने आने वालों को खुश आमदीद कहा। सांता क्लॉस की जानब से बच्चों में तहफ तकसीम किए गए। मसीही बरदरी की जानब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुनासबत से खसूसी तौर पर तैयार किए गए केक काट कर खुशी का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क भर के तमाम मसीही शहरियों को खुशगवार और पुरअमन क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जे यू आई फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से चार रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिसिप्लिनरी कमेटी ने पार्टी अरकान को निकाले गए रहनुमाओं से रबते तर्क करने की हिदायत भी कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सरबरा जे यू आई पे मौलाना फजल रहमान को पार्टी में बगावत को चलने की फिक्र सताने लगी। मुखालफत करने पर मौलाना खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और शुजाउल मलिक को पार्टी से निकाल दिया। बताया गया है कि चारों सरकश रहनुमाओं को निकालने का फैसला पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने किया। कमेटी के सरबरा साई अब्दुल कयूम हालेजवी की हिदायत पर पार्टी जल्द बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कमेटी अरकान आगा अयूब शाह, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना अब्दुल हकीम अकबरी समेत दीगर ने मुतफिका तौर पर फैसला किया। कमेटी के फैसले में मजीद कहा गया कि कोई और रहनुमा निकाले गए चारों रहनुमाओं के साथ राबते समेत पार्टी नज़म के खिलाफ किसी सरगर्मी में शरीक होगा तो उसकी रुकनियत भी ख़त्म कर दी जाएगी। तर्जुमान सिंह हुकूमत का कहना है कि वफाकी वजीर की जानिब से धमकियों के बाद पुलिस ने दबाव में आकर FIR दर्ज की। मुर्तदा वाब कहते हैं कि वाकई में मुलव्वस PTI के कौमी और सूबाई अरकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि मज़ार कायद वाक़े को PTI रहनुमाओं ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर ने धमकियाँ दी, प्रेशर में आकर पुलिस ने FIR दर्ज की। मुर्तजा वहाब का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दरख्वास्त की थी कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देकर इंक्वायरी का हुक्म दिया। कानूनी इदारे कानून के ताबे हैं, कानून के मुताबिक ही फैसले होने चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को ख़त लिखने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। वाकई में मुलविस PTI के कौमी सूबाई अरकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि मर्दम शुमारी नतायज का मामला मुश्तरका मफादात कौंसल में है, वफाकी काबीना का फैसला यक तरफा और गैर आइनी है, सिंध हुकूमत इसकी हर किस इजाज़त नहीं देगी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि MQM सड़कों पर निकलने के बजाय काबीना से निकले। GDA और MQM जिनके वोटों से हुकूमत चल रही है वो अपना कानूनी किरदार अदा करें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।
सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।